वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। देखिए गिवन क्या है, ए पर्सन हैज ए केमिकल ऑफ ₹50 पर लीटर, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स इन द केमिकल सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹40 पर लीटर ही मे गेट ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच। ठीक है बच्चों, देखो एक तो केमिकल गिवन है, एक वाटर गिवन है। पहले केमिकल जो है 50 है, दिस इज सी पी। नेक्स्ट केमिकल मिक्स करने के बाद 40 बन जाता है, दिस इज एस पी ऑन 50% प्रॉफिट। ठीक है जी, वाटर ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है जी, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, सी पी बनाना पड़ेगा, और वी नो दैट द सी पी इज इक्वल टू एस पी डिवाइड बाई 100 प्लस पी, और मल्टीप्लाई में रहता है 100, तो इट विल बिकम 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 150। तो मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करता हूँ बच्चों। व्हाट वी हैव गिवन, 0 0 कैंसिल, 5 से ये 3 पे कैंसिल, 5 से ये 2, इट विल बिकम 80 डिवाइड बाई 3। ठीक है, दैट मीन्स कि इसकी होल प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ 80 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू सी पी। चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं इसको रफ करके यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूँगा, अपना सी पी जो है यहाँ पे डालना चाहूँगा, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे मैं मिक्सर में लिख रहा हूँ अपना 80 डिवाइड बाई 3, मिक्स होने के बाद ये जो बन पाएगा, इनको माइनस करके यहाँ पे लिखना है, इनको माइनस करके यहाँ पे लिखना है। अगर इनको माइनस करता हूँ तो 80 डिवाइड बाई 3 ही बनेगा, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 150 में से जो 80 मेरा माइनस होगा तो वो 70 डिवाइड बाई 3 बनेगा, और ये जो रेशो होगी ये कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 8:7 जो मेरी बनेगी। ठीक है जी, अब 8:7, अब देखते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, उसके हिसाब से आप लोग अपना आंसर जो है मैच कर सकते हो। कहता है कि इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी एडेड, यानी वाटर फर्स्ट पे आएगा, यानी 7 वाटर है, 8 जो है केमिकल है, दैट मीन्स के आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वन।